गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास एट के लिए एक्सरसाइज थ्री सी में ये शॉर्टकट मेथड फॉर स्क्वायरिंग नंबर, मतलब इस शॉर्टकट मेथड के द्वारा जो है, मतलब इसको कॉलम मेथड भी बोलते हैं, कि इससे आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है। जैसे देखिए बच्चों, हमने ये लिया है 96। अब 96 का स्क्वायर आपको जो है इस कॉलम मेथड के द्वारा आपको करना है। बच्चों इसमें हमने, जैसे आपको ये फार्मूला मालूम होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूले को इस कॉलम के द्वारा इसको रखा गया है। ये आपका जो है फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, और ये आपका थर्ड टर्म है। अब हमने इसको लिया है 96 में लिया है a बराबर 9 और b बराबर 6। तो सबसे पहले हम यहाँ से पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा क्या है, बी स्क्वायर है। b का मतलब क्या है, 6। b इक्वल टू क्या है, 6, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो 36 को यहाँ लिख देंगे, लिखने के बाद ये जो 6 है इस पर डैश लगा लेंगे, और इसके बाद जो है डैश लगा के ऐसे छोड़ देंगे। इसके बाद क्या है, 2ab है, इसके बाद है 2 इंटू ए इंटू बी। तो अब देखिए इसमें 2 इंटू 9 इंटू 6, जब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 108। यहाँ देखिए बच्चों 108 आया है। अब ये इसका जो ये 3 है, 36 में जो 3 है इसको इसमें ऐड कर देंगे, तो जब 3 को इसमें जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 111। अब इसको जो है 1 पर हम ऐसे डैश लगा के छोड़ देंगे, और इसके बाद जो है ये फर्स्ट टर्म जो है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ए इक्वल टू दिया हुआ है 9, तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 81। तो अब 81 यहाँ हम लिख देंगे, और इसमें डैश के बाद जो 11 है उसको इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 112 और 819। तो पूरे 92 को पूरा हम डैश कर देंगे, और जब इसका आंसर लिखेंगे तो पूरा 92 ले लेंगे, फिर 1 ले लेंगे जो डैश किया हुआ है, और फिर 6 ये डैश के बाद ले लेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों हमने इसमें जो है एक क्वेश्चन आपको इस तरह से बताया। इस तरह से आपके बुक में जो है 1 से 4 तक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, अगर कोई कमी होगी तो हमको बताइएगा। अब बच्चों देखिए, आपको जो है इस किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, और वो मेथड है डायगोनल, जिसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड में बच्चों जैसे 67 का स्क्वायर हमको करना है, तो इस मेथड से हम करेंगे। जैसे 67 है, जैसे मान लीजिए ये इसमें जो है, जब स्क्वायर डायगोनल मेथड से जब करेंगे तो एक स्क्वायर लेंगे, उसको 4 पार्टों में डिवाइड करेंगे। अगर 3 नंबर रहेगा तो उसको 6 पार्टों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें 2 नंबर है तो इसको 4 पार्टों में हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए बच्चों, इसके बाद 67 है तो पहले खाने पर 6 हो गया, और दूसरे पर क्या हो गया, 7 हो गया। यहाँ 6 हो गया और यहाँ पर 7 हो गया। अब इसके बाद बच्चों जब इसमें लिखना शुरू करेंगे, तो पहले 6 का स्क्वायर 36, मतलब ऊपर वाले में डायगोनल के ऊपर 3 और इसके नीचे 6 लिख देंगे। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई 6 7 = 42, तो ऊपर 4 और नीचे 2। इसके बाद बच्चों इस खाने में इसका मल्टीप्लाई 6 7 = 42, 4 और हो गया, और इस खाने में इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। इस तरह से बच्चों स्क्वायर में हम क्या करेंगे, नंबरों को फिल।
फिलअप कर लेंगे। इसके बाद बच्चों देखो एरे के द्वारा 9 को निकाल के यहाँ पर हमने एक डैश लगा दिया, साइन लगा दिया। इसके बाद जो है इसको अब इस डायगोनल के थ्रू ऐड करेंगे 2, 4, 6 और 4, 2, 8। इसके बाद बच्चों जब आगे हम बढ़ेंगे तो अब ये डायगोनल के ऊपर वाला 4 और 6, 10 और 10 और 4, 14। 14 में 4 को डैश लगा लेंगे और ये 1 है इसको क्या करेंगे, जब इसको लेंगे तो 3 में 1 को ऐड कर देंगे तो ये 4 हो गया। तब जो भी डैश लगाए गए हैं तो इसका जो है 67 का स्क्वायर इक्वल टू जो डैश, जैसे डैश में क्या है 4 है। अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ ये तो यूनिट नंबर में है, अगर ये टेंस नंबर में 14 आता तो पूरे को हम ले लेते थे, 14 को लेते, लेकिन यहाँ सिर्फ यूनिट नंबर है तो 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरह से डायगोनल मेथड के द्वारा जो है आपको जो है होमवर्क में 3 क्वेश्चन और है आप करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उसके लिए हमसे साझा करेंगे या संपर्क करेंगे। धन्यवाद।